वेलकम फ्रेंड्स, द टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रोटीन फैक्ट्री। लेट्स सी व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज एक्चुअली डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी। फर्स्ट यू हैव टू टेक दिस स्मॉल नोट। दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनेल, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल एक्चुअली, एंड जी पैराडी, जॉर्ज पैलेट 1953 फर्स्ट डिस्कवर्ड। एंड actually this is a membraneless cell organelle, so this is a non-membranous and made up of RNA and protein। ये RNA और protein से तैयार होता है और ये smallest among the cell organelle है। इसका दूसरा जो नाम है वो organelle within organelle और protein factory of the cell, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, प्लास्टिड के अंदर भी होता है, तो ऑर्गेनेली है ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, उसके अंदर अगर होगा ये ऑर्गेनेली तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। तो और एक बात है, क्या ये सारे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कॉस्मोपॉलिटन है, सारे यूकैरियोट प्रोकैरियोट में पाया जाता है, एक्सेप्ट इन मैमलियन आरबीसी। माइंड इट, इन अनदर आरबीसी दे आर प्रेजेंट, बट इन मैमलियन आरबीसी दे आर एब्सेंट। दे आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नाउ they are actually the different subunits. Ribosomes are mainly made up of eukaryotic ribosomes is 80s type and prokaryotic ribosome is of 70s type. You know, in case of mitochondria and Golgi plastids mein 70s type ka ribosome hota hai aur eukaryotic cell mein 80s type ka ribosome hota hai. Sare ribosome ka function ek hi hai, protein taiyar karna, aur 80s ko agar subunit mein divide kare to ye ek 68 subunit aur 40s se bana hota hai. Ye 60 aur 40 plus karke 100 hona chahiye, kyunki 80 kyun ho raha hai ye dusra baat hai. Ye Feldberg unit hai, S matlab Feldberg unit, ye Feldberg स्केल है वो, इसको सेंट्रीफ्यूज करने के टाइम भेदभाग यूनिट में इसके जहाँ जहाँ पे इसका प्रेसिपिटेशन पड़ता है उसके हिसाब से इसका नामकरण किया जाता है। अगर ये इसको डिसोसिएट डिटर्जेंट से डिसोसिएट करके हम डिसइंटीग्रेट करें तो इसको 60 में एक बैंड मिलेगा और 40 में एक बैंड मिलेगा, इसीलिए इसका सबयूनिट बोलेंगे 60-40। और 60 सबयूनिट फिर 80s, फिर 5.8s एंड 5s से बना होता है, और 40s सबयूनिट बना होता है 18s से। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्वेश्चन में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 70s का 30 और 50s सबयूनिट से बना होता है, और 30s सबयूनिट का सबयूनिट जो होता है वो 16s होता है, और 50s सबयूनिट बना होता है 23 और 5s से। सो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है वो पॉलीजोम फॉर्म करता है, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम, ये है इसका मेन काम। क्योंकि राइबोसोम एमआरएनए को पकड़ के प्रोटीन तैयार करता है, और ये जो एमआरएनए को पकड़ के प्रोटीन तैयार होता है तो एक एमआरएनए में बहुत ऐसा राइबोसोम का यूनिट, ये 70s टाइप का राइबोसोम है 50 प्लस 30 में, तो ऐसे करके एक चेन फॉर्मेशन होता है जहाँ एक लाइन की तरह आता है 50s 30s 50s 30s यूनिट। एक एमआरएनए में बहुत ऐसा सबयूनिट ऑफ राइबोसोम रहता है 70s सबयूनिट टाइप का, तो इसको हम पॉली राइबोसोम ना बोल के पॉलीजोम बोलते हैं, क्योंकि बहुत राइबोसोम एक साथ एमआरएनए में होता है प्रोटीन तैयार करने के टाइम, एक एमआरएनए बहुत राइबोसोम होता है, इसको बोलते हैं पॉलीजोम और पॉली राइबोसोम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।